भगवान वाल्मीकि की जयंती के मौके पर हिसार में आयोजित राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया, साथ ही कहा कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। हिसार के वाल्मीकि चौक पर भगवान वाल्मीकि जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत किया। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भगवान वाल्मीकि प्रतिमा को नमन करते हुए समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने समाज के चहुमुखी विकास की बात कही। उन्होंने कहा, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, तभी खुशहाल समाज का निर्माण होगा। किसी कुरीतियों के कारण, इस देश के अंदर बुराइयों के कारण, जिनको भी पीछे रखा गया, उन सबको आगे आने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। आप लोगों के बीच में से ये कह सकता हूँ कि हम वाल्मीकि समाज का ही नहीं, जितने भी और पिछड़े वर्ग के लोग, उन सबको हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा, चाहे भले ही वो जी टीवी पे हो, चाहे एन टीवी पे हो, चाहे और जगह हो, प्रयास पूरा करते हैं और करते रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सबसे ज्यादा जोर बच्चों को शिक्षित करने पर दिया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा का उपहार दें। इस दौरान वो लोगों को खुशहाल जीवन का मंत्र देना नहीं भूले। उन्होंने लोगों से कहा, पॉजिटिव सोच को हर हाल में बरकरार रखने में कामयाब हुए तो दुख और मुश्किल भरा वक्त आप पर हावी नहीं हो पाएगा। बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी होती है समाज में, देश में, पॉजिटिव चीजों को लेके आगे बढ़िए। जैसा कि भाई ने बताया कि बच्चों को पूरा पढ़ाइए, पूरी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए उनको। ये ही एक भगवान की एक प्रकार की वो प्रार्थना भी है, उनकी अर्थात वो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, सब ठीक होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कोरोना संकट से पार पाने में लोगों की तरफ से दिए गए सहयोग का जिक्र किया, साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। सुभाष चंद्रा ने कहा, जो कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह गया हो उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।